बुजदिली होगी चरागों से मिलाना आंखें, बुजदिली होगी चरागों से मिलाना आंखें, अब्र छट जाए तो सूरज से मिलाना आंखें। जी हां, शकील बदायूनी का ये शेर वक्त के बड़े बड़े खुदाओं और हाकिमों को उनकी असल हैसियत याद दिलाने के लिए काफी है। इसका मतलब यह है कि चराग से आंख मिलाने से क्या होता है, आंख मिलाना ही है तो बादल छट जाने के बाद सूरज से आंख मिलाकर देखो, फिर औकात पता चल जाएगी कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है। लौटते हैं मुद्दे की तरफ। टीवी चैनल्स की दुनिया बहुत ही अजीब दुनिया है, जहां ग्लैमर है, चमक है, धमक है, दौलत है, शोहरत है और अकूत पैसा। लेकिन दौलत, शोहरत, इज्जत और पूरी दुनिया में अपनी पहुंच कायम करने के लिए सिर्फ न्यूज चैनल ही एकमात्र जरिया है जो आपकी हसरतों को पूरा कर सकता है। किसी को रातों रात हीरो बनाना हो या विलन, हर मामले में न्यूज चैनल की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन क्या होगा जब ये न्यूज चैनल अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ पत्रकारिता को ताक पर रखकर सरकारी प्रवक्ता की भूमिका में नजर आने लगे? जी हां, जब न्यूज चैनल्स खुद को नंबर वन दिखाने के लिए टीआरपी का खेल खेलने लगे और टीआरपी को ही पत्रकारिता मान बैठे, तो सोचिए फिर उसका क्या मंजर होगा, उसका नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा। आज से चंद महीने पहले के हालात को देखिए, जब टीआरपी का डेटा आया करता था हफ्ते के आखिर में, तब न्यूज चैनल्स के खूबसूरत और हसीन चेहरे बड़े चाव से एक दूसरे के टांग खींचा करते थे, मेरा चैनल नंबर वन और तेरा चैनल नंबर फाइव। लेकिन शुक्र है रिपब्लिक टीवी वाले अर्णव बाबू का, जिन्होंने टीआरपी नापने वाली पार्क को नोटों की हरियाली से तौल दिया। नतीजा, जनता ने अब टीआरपी का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। अब टीआरपी पर लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए फिल्म सिटी की अप्सराएं और दूत टीआरपी का नाम लेना ही हराम समझने लगे हैं। लेकिन जब इंटरनेट के प्याली में व्यूअरशिप का जाम भर दिया जाए तो नशे का मजा कुछ और हो जाता है। उस वक्त गांजा फूंक कर शोर मचाने वाले एंकर और एंकरनियों की बोलती बंद हो जाती है, तब बारी बारी से सबकी पोल खुलने लगती है। अब हालात यह है कि अगर यूट्यूब चैनल्स पर न्यूज चैनलों की व्यूअरशिप देखना शुरू किया जाए तो बड़े बड़े एंकर और एंकरनियों के लिबास में नजर आने वाले सत्ता के प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो जाती है। तो टीआरपी का डेटा अब कहां से मिलेगा? तो जवाब है इंटरनेट से। जी हां, 11 फरवरी के यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग डेटा पर अगर नजर डालें तो रात 9 से 10 बजे के दरमियान न्यूज 18 इंडिया को यूट्यूब पर 5,900 के करीब लोगों ने देखा। खुद को नंबर वन कहने वाले रिपब्लिक टीवी को मात्र 5,139 लोग देख रहे थे, तो वहीं जी न्यूज पर सुधीर चौधरी के डीएनए को देखने वालों की तादाद तकरीबन 32,000 ही रही। लंबे वक्त तक अपने आप को नंबर वन कहने वाला आज तक को लाइव देखने वाले महज 35,000 ही लोग थे। फिलहाल आज तक के मुकाबले जी न्यूज की हालत कुछ बेहतर है, लेकिन ईमानदार पत्रकारिता के दम पर अपनी पत्रकारिता कायम करने वाले एनडीटीवी के लाइव स्ट्रीमिंग डेटा पर नजर डाली जाए तो पैरों तले सबकी जमीन खिसक जाएगी। जी हां, एनडीटीवी इंडिया पर रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो की व्यूअरशिप 40,000 थी, यानी व्यूअरशिप पर टीआरपी में सबसे बड़ा एनडीटीवी है। एनडीटीवी के व्यूअरशिप के आगे टीआरपी खेलने वाले दूत और अफसराओं की चमकदार स्क्रीन भी काली पड़ जाती है। अब बात करते हैं किस चैनल के अब तक किस प्रोग्राम को कितनी लोगों ने देखा। रिपब्लिक टीवी से हम शुरुआत करते हैं। रिपब्लिक टीवी का पूछता है भारत शो को अब तक 22,000 लोगों ने देखा है, हमारे खबर रिकॉर्ड करने तक। हर खबर की टांग तोड़ने वाले राष्ट्रवाद से लबरेज जी न्यूज के सुधीर चौधरी वाले डीएनए को अब तक 4,00,000 लोगों ने देखा है। लेकिन जब एनडीटीवी पर रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो की बात की जाए तो प्राइम टाइम को देखने वालों की संख्या 6 से 7 लाख के दरमियान है, जो अब तक 7,00,000 का आंकड़ा पार कर चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीटीवी के अंग्रेजी चैनल की अगर बात करें तो रवीश के प्रोग्राम प्राइम टाइम शो को देखने वालों की संख्या 2,00,000 से ज्यादा है। अगर एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7 की व्यूअरशिप को जोड़ दिया जाए तो दोनों चैनलों की व्यूअरशिप 9,00,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। यानी दिन रात भांडगिरी करने वाले पत्रकारिता और प्रवक्ता गिरी की वजह से चैनलों की व्यूअरशिप निचले पायदान पर पहुंच चुकी है, जबकि रवीश समेत एनडीटीवी का हर पत्रकार अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, दृढ़ता से खड़ा है, आत्मविश्वास से भरपूर है। एनडीटीवी टीआरपी की मारा नहीं जपता, लोगों के बुनियादी मुद्दों को उठाकर
जमीनी हकीकत को दिखाकर एन टीवी ने जो जनता का भरोसा जीता है, उस भरोसे को हासिल करने में गोदी मीडिया को शायद बरसों लग जाए। अगर नंबर वन और नंबर टू की टीआरपी रेटिंग की बात की जाए तो 11 फरवरी के डेटा के व्यूशिप के मुताबिक एन टीवी इंडिया नंबर वन पर है, आज तक नंबर टू पर, जबकि नंबर थ्री पर जी न्यूज पहुंच चुका है। लेकिन गांजा फूकने वाले एंकर और एंकरियों के चैनलों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, चौथे और पांचवें पर भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।